पूर्व फौजी और उनके परिवारों के इलाज के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दी जा रही सुविधा ECHS घोटाले बाज डॉक्टर और अस्पतालों के निशाने पर है। बड़े ग्रुप अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट में यहां के मिलिट्री हॉस्पिटल स्थित ECHS पाली क्लिनिकल के मेडिकल अफसरों और ऑफिसर इंचार्ज के फर्जी स्टैंप बनाकर खुद ही उनके हस्ताक्षर कर मरीजों को भर्ती करते रहे और जरूरी नहीं होने पर भी उनकी भर्ती एक्सटेंड करते रहे। फर्जी स्टैंप और हस्ताक्षर पकड़ में आने पर अस्पताल को ECHS से इंपैनल कर सेना के अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है कि कब से यह गोरख धंधा अस्पताल द्वारा किया जा रहा था। रीजनल सेंटर और सेना की जांच पिछले एक महीने से चल रही है, लेकिन सेना का कोई अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं। अमनदीप में पंजाब के अलावा हिमाचल से भी बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। बताते चले कि जब टीम जांच करने आई तो अस्पताल प्रबंधन ने दो कर्मचारियों को बलि का बकरा बना सस्पेंड कर दिया। इस संबंधित जब पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अमनदीप अस्पताल से किसी घोटाले की शिकायत आई थी, जिसके चलते पुलिस द्वारा अस्पताल में तैनात दो कर्मचारियों पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। कि उत्थों के मुंडे दो है उन्होंने जो स्टाफ के मैंबर एक नरेंद्र ते अभिनंदन ये ECHS जिहड़ा सिस्टम हैगा एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटी हैल्थ सिस्टम है सर्विस है उत्थे जिहड़े एक्स सर्विसमैन जिहड़े भी जिहड़े इलाज करवाउंदे आ उन्होंने बिल पास होंदे आ मिलिट्री हस्पताल तो जाके काउंटर साइन हो के आर्मी ऑफिसरस के आर्मी डॉक्टर्स के वह फिर उन्होंने बिल जिहड़ा रीबर्समेंट होंदी आ। बट जदों कुछ उन्होंने जोड़ा उन्होंने फाइल्स ने जो MH वाले वेखिया उन्होंने देखा किसी आर्मी ऑफिसर ने कहा भी मेरे साइन नहीं है। उस तो बाद जो अमनदीप हॉस्पिटल से गल पहुंची उन्होंने फिर शिकायत करी SSP साहब की और फिर साढ़े DSP D साहब उन्होंने इंक्वायरी की है। उस पाया गया कि जोड़े साइन है जोड़े मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर के साइन है वो इन्होंने आपे किए हुए उन्होंने साइन नहीं किए। सो इन्हों के खिलाफ जो केस रजिस्टर हो गया अगे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखने की गल ये हैगी है कि ये साइन इन्होंने क्यों किए ये सब तो बड़ा मुद्दा कि इन्हों की इंट्रस्ट से शायद इन्होंने कोई फाइनैशियली कोई इंट्रस्ट से या कोई होर इंट्रस्ट से जोड़ा कि शायद अजे सामने नहीं आया। सो इन्हों अरैसट करके इन्हों की जो इंटरोगेशन करा वो तो सामने आएगी गल है कि एक्चुअली कारण की सी सारी चीज़ों का नहीं अजे नहीं हुए उन्होंने रेड से किए बट वो अपने घरों फरार ना। सो मोस्ट प्रोबली आप जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे।